नमस्कार, उन्नत केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली में 1 अगस्त के बाद सबसे ज्यादा केस, क्या थर्ड वेव है नजदीक? भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या 87 तक पहुंच चुकी है। गुरुवार को कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली और तेलंगाना में 4-4 और गुजरात में 1 नया मामला सामने आया है। राजधानी दिल्ली में कोविड केस बढ़ रहे हैं। 4.5 महीने बाद दिल्ली में एक दिन के अंदर कोरोना के 85 नए मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण लेटेस्ट अपडेट। भारत की कोविड रिकवरी दर वर्तमान में 98.38% है। भारत ने शुक्रवार को पिछले 24 घंटों में 7,447 नए कोविड मामलों और 391 मौतें दर्ज की। इस बीच अब तक 3,41,62,765 लोग इस वायरस से उभर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 70,46,805 वैक्सीन डोज दिए जाने के साथ भारत का कोविड 19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक लेटेस्ट रिपोर्टों के अनुसार 135,99,00,000 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पॉजिटिविटी रेट को लेकर जारी किए आंकड़े। भारत में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.63% पहुंचा। पिछले 33 दिनों से 1% से नीचे बना हुआ है पॉजिटिविटी रेट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें उन्नत केसरी यूट्यूब चैनल और फॉलो करें उन्नत केसरी डेली हंट पेज।